जागा शरीर हमारा, गुरु जी की तरफ हाथ कर दिया, भगवान की तरफ कर दिया। अब गुरु जी का वचन ना माने तो भी बात बिगड़गी। अब नीचे नमू कर लिया, गुरु जी बोले रहे बस है। अब मैं क्या कह रहा था, भाई गुरु जी के आज्ञा का पालन नहीं करते उनका जीवन व्यर्थ है, फिर क्यों डोले डोरे हो, जाओ अपने घर को। एक भगत उठा, जूता निकाल के अपना बैठ के गुरु जी के पास, वो बैठे थे आसन पर तख्त पर, नीचे बैठ कर और अपने सिर में पांच मारे पट्टा पट। वो गुरु संत जी बोले भाई डंडी ना मारे, मैंने तो मेरे शीश में कहा तेरे में नहीं। तो कहने लगे इस दास का शीश भी तो आपका ही तो है, इस दास का शीश भी गुरुदेव आप ही का तो है। तो ऐसे हमारा भाव बने, सिर सौंपा गुरुदेव को सफल हुआ यो शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। जब ऐसे समर्पित कर दिया तो फिर आप मालिक सिर पर रहेगा। परमात्मा की वाणी है, गरीबदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर के विषय में बताया है, सिर सौंपा यानी पति भरता पद पर हम आ गए, किसी और इष्ट के अंदर हमारी इच्छा ना रहे, वो अव्यभिचारिणी भक्ति होती है। गीता जी अध्याय नंबर 13 में बताया कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं उनको मोक्ष निश्चित होता है। व्यभिचारिणी भक्ति जैसे हम पता नहीं कितनी पूजा करते, हनुमान जी मिल गया जय हनुमान जी की, कृष्ण जी मिल गया जय कृष्ण की, राम जी याद आ गए जय जय राम, सीता राम राधे श्याम, कितना कोई और हनुमान और फिर बजरंग वो तो कोई भी मिल गया सबके, तो ये नहीं, ये तो व्यभिचारिणी भक्ति है। एक पति को छोड़कर आन में आस्था रखने वाली पत्नी को व्यभिचारिणी कहते हैं। तो अपने ही पति से हर इच्छा पूरी हो उसी को पति भर्ता कहते। तो हम जब पति भर्ता पद पर आ जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं पति भर्ता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। ऐसा हंस ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब संस अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है रास्ते पर, तो परमात्मा उस जीवन रूपी सफर के पाप कर्म रूपी कांटों को बुहारना शुरू कर देता है, उसके दुखों को खत्म करना शुरू कर देता है, झाड़ू देता चलता है कि मेरी प्यारी आत्मा के कांटा ना लग जाए। तो वही ये बानी है कि सिर सौंपा गुरुदेव को सफल हुआ यो शीश, नितानंद शीश पर आप बसे जगदीश, कि आप मालिक रखवाला होगा। गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीस दीजिए दाने, भौतक भोंदू बह गए राख जीव अभिमाने। होय होय पुणात्मा, आप कोई बालक नहीं, बुद्धिमान मानो है। आज के दिन जिन्हें कंप्यूटर बना लिया, हवाई जहाज बना लिए, ऊपर सैटेलाइट बना लिए, पता नहीं के रचना रच ली और परमाणु बम अपना नाश बना लिया, तो समझते हो आप अच्छी तरह। ऐसी बात नहीं है कि जब तक आप अधीन नहीं होगे, एक बालक की तरह सतगुरु के मार्ग में आप यहाँ आते हो, चाहे कितनी पोस्ट है आपकी बड़ी और कितना आप धनी हो या गरीब आदमी हो, आप जी यहाँ ऐसे बैठो जैसे स्कूल के बालक आकर बैठ जाते हैं। चाहे स्कूल के विद्यालय में कितने बड़े बच्चा हो, उसको वहाँ जो सही अध्यापक होते हैं उसमें किसी में भेदभाव नहीं करते, एक फर्श पर बैठाते, नीचे अब तक ये डेस्क पेस्क हो गए, पहले तो बूढ़े बूढ़े से वो आते लंबे लंबे फर्श, जैसे खाना खाते समय आप बिछाते हो, ये तो और भी बढ़िया है, और उन पर बैठा करते उनमें शाही खंडी रहती, और वहाँ बैठ जा करते हैं लाइन में बैठ कर, कोई धमका दे अध्यापक को भी धमक डंडा, कोई धमका रहा है कोई खुरका रहा है, चल इधर बैठ सीधा मुँह कर, हैं तो भी नौकरी जाते हैं। तो बच्चे अध्यापक के धमकाने खुरकाने में ईर्ष्या नहीं करते, उनके अंदर वो होता ही नहीं दोष, सुधरने की चेष्टा करते हैं। तो ऐसे ही आप जी यहाँ आते हो
परमात्मा कबीर जी कहते हैं अति अधीन दीन हो प्राणी तब ये कहना ये अकत कहानी। सारनाम उन प्राणियों को मिलता है जो अति अधीन हो जाते हैं। एक समय अब्राहिम सुल्तान अधम नाम के एक बलख बुखारे के बादशाह थे, आपको कथा कई बार सुनाई है और फिर भी सुनाएंगे। वो राजा था, बड़े ठाठ बाट थे, 18 लाख घोड़े थे उसके पास। पुण्यात्माओं आज एक एक बढ़िया घोड़ी की कीमत एक कार के समान है, 10-10 लाख की, 20-20 लाख की, 15-15 लाख की घोड़ियाँ हैं, घोड़े हैं, और उसके पास 18 लाख घोड़े थे और भी। जब इतने घोड़े वो रख सकता है, उनका केयर टेक कर सकता अपने, तो और पता नहीं कितने ठाठ होंगे, कितना धनी होगा। इससे एक राजा की समर्थता का प्रमाण प्रतीक माना जाता था। और फिर परमात्मा का ज्ञान हुआ, उसने राज छोड़ दिया, परमेश्वर ने उनको प्रथम नाम दिया। फिर कुछ दिन के बाद उनको सतनाम दिया। फिर घर छोड़कर चला गया जंगल में, अपना किसी नगरी में रहने लग गया। बाहर कुटिया छा ली, झोपड़ी बना ली, लकड़ी काट के लावे, गांव में बेच दे नगर में, और फिर उससे अपना गुजारा करके टाइम पास कर भक्ति करता था। तो फिर सारनाम का जब समय आया तो परमात्मा ने उसको बुलाया, क्योंकि कबीर परमेश्वर अन्य रूपों में भी आते रहते हैं। कुछ ऐसे संतों के बारे में भी पता है कि उनके घर का गांव का कोई पता नहीं था, वो बताते नहीं थे। तो इस टाइप में भी परमात्मा रह जाते हैं, कहीं छोटा मोटा आश्रम छा कर रहा करते थे, कुटिया बना लेते थे। ऐसे कबीर जी रह रहे थे एक नगरी के अंदर। तो सारनाम के लिए बुलाया गया भक्तों को। तो क्या हुआ कि वो इब्राहिम सुल्तान अपनी कुटिया से कहीं से चलकर आया सारनाम लेने के लिए, एक गांव की गली से गुजर रहा था। और एक बहन उपदेशी थी, उसने ऊपर की छत बुहार के, और सूखा रेता सा था वो, गली में एक बाल्टी ही में डाल लिया, गली में डाल दिया, डाला उसने नीचे, ध्यान दिया ना, ऐसे डाल दिया नीचे से। वो इब्राहिम सुल्तान अधम यानी भूतपूर्व राजा बलख बुखारे का, वो नीचे जा रहा था, उसके ऊपर रेत पड़ गया, रेत पड़ गया, तो उसने करड़ी नज़र से देखा, ने बोला यदि आज मैं राजा होता तो तुझे पता नहीं तेरा के हाल कर देता। उस लड़की से उसने ये बोला, शुक्र आज मैं राजा नहीं हूँ, अगर राजा होता तो तेरा पता नहीं के हाल कर देता। यानी अपना नो भी रेफरेंस दे रहा है कि मैं भूतपूर्व राजा भी हूँ। तो लड़की ने सोचा भाई यू भगत राजा था कभी क्या, क्योंकि राजा और फिर भगत बन जाए तो उसका एक विशेष स्थान होता है हमारे जैसे बोले बाड़ा में। तो अब बहुत प्रभावित हुई, अब उसने भी जाना आश्रम में जहाँ परमात्मा कुटिया बना रहे थे, उधर से वो भी आगे बैठा पाया। तो उसने देखा, गुरुजी से पूछा, गुरुदेव ये सामने बैठा ये भगत है? कहाँ बेटी भगत है, क्या ये कभी राजा था? महाराज जी बोले हाँ ये बलख शहर का राजा था। तो परमात्मा तंत्रियामी थे, उन्हें पता था, बेटी क्या बात है, कैसे पूछा? कि महाराज जी ऐसे ऐसे मैंने ऊपर से छत का रेता था, रेत सा, और वो नीचे डाल दिया बुहार के छत से, नीचे ही आम थे इनके ऊपर पड़ गया, और मैंने सॉरी भी करी है, अगली गलती होगी मैंने देखा को ना। तो ये कहने लगा कि शुक्र आज मैं राजा नहीं हूँ, नहीं तो तेरा पता नहीं आज के हाल कर देता। अच्छा ऐसे बोला यू? कहाँ जी ऐसे बोला। कुछ देर के बाद फिर परमात्मा ने बुलाया, आजो भाई नाम सार नाम के लिए जो प्रार्थी हैं आजो। वह कहने लगा महाराज जी अपने दास पर कृपा करो, नाम दो, सार नाम की दया करो। ने बोला भाई अभी तू राजा है, दास नहीं बनया है, जब तू दास बन जाएगा बेटा, जब सार नाम मिलेगा, और जा एक वर्ष के बाद इस तिथि को आना, यानी इस अमावस्या को या पूर्णमासी बता दी। वो चला गया।
अब वो काफ़ी सोचता रहा कि गुरुजी ने ऐसे कैसे कह दिया, मैं राजा हूँ, अवश्य मेरे में कोई त्रुटि है। बहुत रोया और एक दो भगत को नाम मिल गया, सार नाम मिल गया एकादी को, तो उसने बड़ा दुख हुआ, हे भगवान मेरे में क्या त्रुटि रहेगी। एक वर्ष तक वो बहुत ज़्यादा महसूस करता रहा, रोता रहा, गुरुजी के पास आता रहा, लेकिन सार नाम के लिए उस दिन प्रार्थना करनी थी, पहले नहीं। वो दिन भी आ गया एक वर्ष के बाद। अब परमात्मा ने कहा, बेटी ये उसी गली से आता है, इसका रास्ता वही है, और आज तू अपनी छत से एक कीचड़ बना ले, एक बाल्टी में कीचड़, उसमें रेत गारा गोल गोबर बना ले, और जब यू तेरी छत के गली के मकान के पास से गुजरे, इसके ऊपर गोबर घेर देने होगा पानी में गोल के, और फिर ये क्या गतिविधि कर रहा है फिर मुझे बताना। उस लड़की ने उस दिन था, वो सुबह बैठ गई गोल के, वो आता दिखा दूर तो भगत जी, और वह बाल्टी जचा कर उसके सिर पर उत्तर डाला दिया, वो सारा बीज बाज हुआ गोबर गोबर में। और फिर वह बेटी बोली, वह लड़की बोली, भाई साहब गलती होगी, मेरे से मन देखे को नहीं। वो कहने लगा, बहन कोई बात नहीं, ये तो मट्टी पर मट्टी घेरी है, ये तो गोबर है, यू भी गोबर पर गोबर घेरा है बेटा, बेबे कोई बात नहीं, बहन धो लूँगा नहा लूँगा, क्या फर्क पड़ गया। तो वो फिर गया जोड़ में, बड़े तालाब हुए हारते उसमें, उसमें धोया नहाया समेत कपड़े के बढ़ गया पानी में, और धो धा कर नहा कर सूख साख लिए, गर्मियाँ के दिन थे, घंटे में सूख गए, फिर आया। तो गुरुदेव को जाकर उसने बता दिया, गुरुदेव ने पूछा, बेटी आज कैसी गतिविधि थी इस भगत की, सारी बता दी। आज तन्यो बोला, जी कोई बात ना बहन, मट्टी पर मट्टी ये तगेरी है, कोई बात नहीं नहा लूँगा, दो तालाब में नहाता हूँ मैं। तब उसने आके प्रार्थना की, गुरुदेव आपके दास का दास योग्य हो गया हो तो दास को टुकड़ा डाल दो, डालियो सार नाम का। परमात्मा बोले, बेटा आज तू दास बनया है, अब तुझे सार नाम दूंगा, पहले तू राजा था। आखा जी गलती बताई सारी कहानी, कि उस दिन बहन ने तेरे ऊपर रीता डाला था, अर्थ ने क्या बोला तू, आखा जी गणा नीत सुना मत है, और वो गंध भर है पड़ा था मेरे अंदर अपमान का। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, गुरु से ज्ञान सो लीजिए, शीश दीजिए दाने, भौतुक भोंदू बह गए भाई राख जीव अभिमान, पिया चाव है प्रेम रस और राख्या चाव है माने, एक म्यान में दोवी खड़ग कदे देखी सुनी न काने। एक तो भगवान चावे हर ऊपर ते अंडी भी पाकना चावे, लोगों से सलूट भी चावे, कहते एक म्यान में दो तलवार की तो देखी सुनी न कान। गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समाने, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दाने। अहे अपनात्मा क्या बताते हैं, परमात्मा ने एक बहुत सिंपल सी वाणी में कह दिया कि तीन लोक की संपदा यानी संपत्ति, गुरु जी ने यू नाम दे दिया तो तीन लोक दान कर दिए। जैसे गरीबदास साहिब जी की वाणी में आपने सुना था सुबेरे, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, चौदह भवन चढ़ाव राम रंग होरी हो, तीन लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। ऐसा नाम दे दिए, तीन लोक भी उसके पासंग हैं। अब तीन लोक की संपदा तो इसलिए कहनी पड़ेगी, इस तागतम जानते ना कि ये तीनों लोक दे दिए जिसको, जिस दिन परमात्मा ने गुरुदेव ने आपको उपदेश दे दिया, पूरे गुरु ने, नकली तो नकली सांग है ये, लालड़ी ले रहे हैं, लालड़ी लाल को नहीं इनके पास, ना यथार्थ ज्ञान ना भक्ति का मंत्र, वो उनका जिक्र नहीं है। अब कहते हैं, करके दान करे पछतावा, करया कराया सभी नसावा। यदि आप जी ने शीश दे दिया, कहते तन मन धन सब अर्पिए भक्ति मुक्ति के काज, जिनके उर्म बंदगी फिर क्या इंद्र का राज। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश ही लेवे।
परमात्मा कहते हैं तुमने मान